शुभ प्रभात बच्चों, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 5, अक्षरों का महत्व, कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस पर एक आधारित कहानी है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक कैसे बनी है? अक्षरों के बिना अक्षरों के पुस्तक नहीं बन सकती, और बिना अक्षरों के हम एक दूसरे को कुछ भी बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। तरह तरह के पुस्तकें तरह तरह के अक्षर होते हैं। हर तरीके की अलग अलग पुस्तकें होती हैं, तो अलग अलग तरीके के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल करना चाहिए? दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज छपती हैं, रोज कहीं ना कहीं पुस्तकें छपती हैं। तरह तरह की अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तरह तरह के समाचार पत्र छपते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, बंगाली में, कन्नड़ा में, हर भाषा में तरह तरह के अक्षरों का महत्व बताया जाता है, और उनके द्वारा ही पुस्तकें छापी जाती हैं। इन सब के मूल में अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हल होता? कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो आज के लिए इतना ही। इस पाठ को पढ़िए और मुझे बताइए कि अक्षरों के बिना क्या आप कुछ कर सकते हैं? बिना अक्षरों के हम किसी के द्वारा बात कर सकते हैं? किसी को अपने बारे में समझा सकते हैं? नहीं। तो इसका महत्व जानिए अक्षरों का, तब आपको ये पाठ समझ में आएगा। तो आपको अक्षरों को महत्व देना चाहिए कि बिना अक्षर के हम कुछ नहीं कर सकते, और अक्षरों को मनुष्य ने ही जन्म दिया है। ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही।